हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कॉमर्स के 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की जो सीरीज चल रही है, आज ये उसका 31वां पार्ट है। 30 पार्ट हमने ऑलरेडी कवरअप किए हुए हैं कॉमर्स के, और साथ ही हमने अकाउंट के भी 10 पार्ट्स कवरअप किए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पीजीटी के लिए, या फिर आपके यूजीसी नेट, या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो उसके लिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट इज रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ कंपलसरी अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, यानी कि कंपनीज एक्ट के किस सेक्शन में ये प्रोविजन कहा गया है कि जो हमारी एक कंपनी है उसे कंपनी सेक्रेटरी रखना कंपलसरी है। तो जो ऑप्शन है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। सेक्शन 204, 203, 201 या फिर 201। अपने ऑप्शन चूज कीजिए, आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सेक्शन 203, जिसमें कहा गया है कि कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी रखना कंपलसरी होगा। अगला है हमारा, अ सेक्रेटरी शुड हैव नॉलेज ऑफ, यानी कि एक कंपनी सेक्रेटरी जो होती है, यहाँ पे केवल सेक्रेटरी वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ जो कंपनी सेक्रेटरी है यहाँ इसका मतलब हो गया कंपनी सेक्रेटरी। एक कंपनी सेक्रेटरी को किस टाइप का नॉलेज होना चाहिए, कंपनी लॉ का, टैक्स लॉ का, लेबर लॉ का, या फिर इंडस्ट्रियल लॉ का। अपने ऑप्शन चूज कीजिए, आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंपनी लॉ का उसके पास नॉलेज होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी रिगार्डिंग कंपनी मीटिंग आर रिस्ट्रिक्टेड अप टू, यानी कि जो हमारी कंपनी सेक्रेटरी होती है, जो कंपनी का जो मीटिंग होता है, ऑप्शन चूज कीजिए, आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर बिफोर कंपनी मीटिंग होनी चाहिए, ड्यूरिंग कंपनी मीटिंग होनी चाहिए, आफ्टर कंपनी मीटिंग होनी चाहिए, या फिर इन सभी केसेस में वो हो सकता है, ऑप्शन चूज कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज, यानी वो सभी तरह से मीटिंग्स में इंपॉर्टेंट रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। चार आपके पास डेफिनेशंस दिए हुए हैं, प्लानिंग का वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन इनमें से कौन होगा, चूज कीजिए और बताइए। देखिए, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, जिसमें लिखा गया है सेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड द मींस ऑफ रीचिंग देम, यानी कि जो भी हमारा बिजनेस है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो भी ऑब्जेक्टिव है, वहां तक जाने का जो रास्ता तैयार किया जाएगा वही प्लानिंग का बेस्ट डेफिनेशन होगा। प्लानिंग यानी कि फोरकास्ट करना, फ्यूचर को पहले से ही आप फोरकास्ट करते हो, उसके बारे में सोचते हो, तो कहां तक जाओगे, जहां पर बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोऑर्डिनेटिंग पीपल एंड ह्यूमन रिसोर्स टू एक्सेम्प्लाइज ऑर्गेनाइजेशन गोल इज द प्रोसेस ऑफ, यानी कि जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको पाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए जो भी हम ह्यूमन रिसोर्स का उपयोग करते हैं वो किसका पार्ट है, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, मैनेजमेंट, या फिर लीडरशिप का, ऑप्शन चूज कीजिए, आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, लीडरशिप, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है वो ह्यूमन रिसोर्स को यूज करके करती है, और ह्यूमन को चलाने के लिए एक लीडर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि उनको गाइड करता है, उनको इंफॉर्मेशन देता है, उनको अपने हिसाब से, गोल के हिसाब से प्रॉपर काम करवाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इंक्लूडेड इन द कंट्रोलिंग फंक्शन, यानी कि जो भी हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कंट्रोलिंग फंक्शन का एक हिस्सा है, या फिर उसमें यह शामिल किया जाता है, ऑप्शन चूज कीजिए, आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी जिसमें कहा गया है मेजरिंग रिजल्ट्स अगेंस्ट कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो भी हमारा बिजनेस का जो भी ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो भी गोल है हमारा, उसके अगेंस्ट में हम कहां तक पहुंचे हैं, हमारा रिजल्ट क्या है, हम कितने दूर हैं, इन सभी चीजों के बारे में जो जानते हैं वो क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग फंक्शन कहलाता है। ठीक है, देखिए, मैनेजमेंट के बेसिकली 5 मेन स्तंभ कहलाते हैं, आप उनके बारे में अच्छे से क्लियर रखो, काफी इंपॉर्टेंट होता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो यहाँ पर चार नाम आपको दिख रहे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से ताल्लुक नहीं रखते हैं, ऑप्शन चूज कीजिए, आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि KK डेविड जो है ह्यूमन रिसोर्स से ताल्लुक नहीं रखते हैं। ठीक है,
आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जन्मदाता कौन है, उनके फादर कौन है, किसे कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोऑर्डिनेशन इज, कोऑर्डिनेशन क्या है? देखिए मैंने जस्ट अभी बताया कि पांच स्तंभ है हमारे मैनेजमेंट के, ये सभी स्तंभ आपको आज सभी के सभी नाम मिलेंगे। प्रॉपर तरीके से अगर आपने पढ़ा होगा तो सभी आप आंसर दे दोगे। तो कोऑर्डिनेशन क्या है आपको ये बताना है। चलिए ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए इसका राइट आंसर है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि ये एक प्रबंधन का सार होता है, सबको मिलाने का काम करता है। जो जो भी मैनेजमेंट के पार्ट्स होते हैं, जो भी मैनेजमेंट का वर्क होता है, चाहे प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, कंट्रोलिंग हो, इन सभी को मिलाने का जो काम होता है ये करता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। द ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज, यानी कि एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन क्या होता है या ऑपरेटिव फंक्शन क्या होता है आपको ये बताना है। ऑप्शन चूज कीजिए आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, यानी कि उनको चलाने के लिए, उनको रखने के लिए हमें क्या करना होगा, उनकी भर्ती करनी होगी, उनका चयन करना होगा। ये बेसिक फंक्शंस हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, क्योंकि जब तक आप लोग लाएंगे नहीं, उनको ट्रेन करेंगे नहीं, उनका सिलेक्शन करेंगे नहीं, तब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन चलेगा नहीं। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। देयर विल बी इनकम टैक्स एग्जम्पशन टू स्टार्टअप फॉर द फर्स्ट डैश ईयर, यानी कि जो हमारा प्रथम डैश जो साल होता है स्टार्टअप का, यानी कि कोई भी आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपको कितने साल तक, इनिशियल पीरियड में कितने साल तक आपको टैक्स में छूट मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा। ऑप्शन चूज कीजिए, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल। काफी फेमस क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रखते हैं। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 3 साल तक का उन्हें छूट मिलता है इनकम टैक्स में। ठीक है, तो आई होप ये 10 क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।